कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी पार्टी के एक नेता ने आईना दिखाने की कोशिश की है। राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर कई बार आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं, लेकिन राजस्थान के कांग्रेस नेता ने सावरकर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे असमंजस की स्थिति हो गई है। सावरकर पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने कहा कि सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की मांग कर कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उनकी ये मांग जायज थी। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सावरकर की कई मांगे जायज थी। डोडासरा ने कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सावरकर ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं निभाई। वे हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते थे, जो गलत नहीं है, क्योंकि उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था और हमारा संविधान नहीं बना था। लेकिन जब हमारा संविधान बनाया गया और आजादी के बाद हमारे देश में सभी धर्मों को स्वीकार किया गया, फिर उनकी विचारधारा का इस्तेमाल बीजेपी और आरएसएस ने भाइयों के बीच वैमनस्य पैदा करने की साजिश रचने के लिए किया और हम इसके खिलाफ हैं। डोडासरा के इस बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुरी तरह घिर गए हैं। उधर डोडासरा के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी ने कहा कि आखिरकार कांग्रेस नेताओं की जुबान पर सच आ ही गया। दरअसल कांग्रेस हमेशा से सावरकर के विचारधारा के खिलाफ ही रही है। 2019 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सावरकर को डरपोक कहते हुए कहा था कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है। उनके इस बयान पर जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन अब कांग्रेस नेता ने ही राहुल गांधी से उलट बयान देकर कांग्रेस को ही घेरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।